वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की, सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु नानक पातशाह की। पटना शहर सालस राय जोरी का प्रसंग। बनारस से चलकर गुरु जी अनेक प्राणियों को सुरमार्ग पर डालते हुए जा रहे थे। धन गुरु नानक कि मर्दाना ने कहा, गुरुजी मुझे बहुत भूख लगी है। गुरुजी ने कहा, मर्दाना 3 कोस पर एक नगर है, वहाँ चलकर जो दिल चाहे जी भर के खा लेना। धन गुरु नानक। मर्दाना ने कहा, महाराज हमारे पास कौन सी धनराशि है जो खर्च करके कुछ खा लेंगे। तब गुरुजी ने अपने पाँव से रेत को टटोल कर मर्दाना को कहा, यह एक कीमती लाल है, इसको पकड़कर गांव बांध लो। शहर में जाकर जिस वस्तु की ज़रूरत हो इसको बेचकर ले लेना। धन गुरु नानक। मर्दाना को शहर बेचकर आप गुरुजी शहर से बाहर की गंगा के किनारे बैठ गए। मर्दाना उस लाल को लेकर शहर में चला गया। जब मर्दाना ने एक जोरी को वह लाल बेचने के लिए दिखाया तो वह उस बहुमूल्य लाल को देखकर मर्दाना के साथ ही गुरुजी के पास आ गया। धन गुरु नानक। श्रद्धा से गुरुजी को माथा टेका कर बैठ गया और आपके वचन सुनकर उसने कहा, यह बहुमूल्य लाल तो आपकी कृपा से मैंने पहली बार ही देखा है। धन गुरु नानक। आप लालों के भी लाल हो जिनके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। तब गुरुजी ने उसे उपदेश देते हुए यह शब्द उच्चरित किए, बिलावल महला पहला, लालो लाल उपाया, लालो लाल दिसनी, जिन लाली नेतर मही दूजा ना जानी, सुनी सालास तू जवाहरी अपना लाल पछाण, कूड़े लाल ना गंद बन लीजे भले सिवान, रहाओ कंकर पत्थर मेली के नौ सदाइयो साहो, बिन सतगुरु पूरे अंध है मुल न बुझे राहो, मेरा मेरा कर सजियो राती अते देहू, काही साखा न उपजिया कलर उठा मैं हूँ, सुनी साला सो इही बिनंती जी कर्म प्राप्ति होई, नानक एक अराधिये दुख न लगे कोई। गुरुजी ने फरमाया, साला साहा यह झूठे लाल एकत्र करने का कोई लाभ नहीं है, आप अपने आप को पहचानो जो असल लाल है। धन गुरु नानक। इसके भावार्थ को समझकर सालस राय ने गुरुजी की बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ सेवा की और सत्य नाम का उपदेश लेकर धन्य हुआ। धन गुरु नानक। सालस राय से वहाँ गुरुजी ने सत्संग के लिए एक धर्मशाला बनवाई और अधरके को उसका महंताना थापा। धन गुरु नानक। नोट, फतेह चंद मोनी जी की रानी गुरु गोबिंद सिंह जी को बालकों समेत बुलाकर गुंगनिया दिया करती थी, इस सालस राय के वंश में से ही थी। इन्हीं का घर गुरुद्वारा मोनी संगत करके प्रसिद्ध है। धन गुरु नानक। गाया प्रीतगति। पटने से चलकर गुरुजी
गाया पहुँचे। यह शहर गाया सुर दैत्य का बसाया हुआ है, जिसके नाम पर ही इसका नाम गाया प्रसिद्ध है। धन गुरु नानक। हिंदुओं के निश्चय अनुसार यह प्राणियों के पिंड बनाने से उनकी गति हो जाती है। जब गुरुजी वहां पहुंचे तो पंडो ने कहा, आप भी अपने पितरों की गति के लिए पिंड भरो। धन गुरु नानक। तब गुरुजी ने इस प्रथम शब्द का उच्चरित किया, आसा महला पहला दीवा मेरा एको नाम, दुख विची पाया तिलु उनी चानी हो सोखिया, चुका जम सियु मेलू पिंडू पतली मेरी केसो, किरिया सच नाम करतार एते ओते आगे पाछे एहु मेरा आधार। एक लोकी हुई छमी छरी ब्राह्मण वटी पिंड खाई, नानक पिंडू बक सिस का कबो निकुट सी नाही। इस शब्द का मूल भाव समझकर गुरुजी ने बताया कि अपने हाथों से किया हुआ दान कभी खत्म नहीं होता, इसलिए अपने जीते जी अपने हाथों के साथ दान करना ही लोक परलोक में सहायक होता है। तत्पश्चात प्राणी नमित पिंड आदि भरवाने और अन्य दान पुण्य करना उसके किसी काम नहीं होता। धन गुरु नानक। वृद्ध गाया। इस तरह पंडो को नाम स्मरण का उपदेश देकर गुरुजी जहाँ से नजदीक ही वह स्थान देखने चले गए, जहाँ महात्मा बुद्ध ने बैठकर निर्वाण प्राप्त किया था। इस बुद्धि गाया मंदिर में महात्म बुद्ध की एक पूरे शरीर की सोने की मूर्ति स्थापित है। यहाँ के मुख्य पुजारी के साथ गुरुजी ने चर्चा करके उसको सत्य नाम का उपदेश दिया। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।